शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो हेलो, और बता क्या नया गिफ्ट दिया है तुझे तेरे पति देव ने? गिफ्ट नहीं, सब बेकार का खर्चा है। एक इम्पोर्टेड मेकअप किट लाके दिया है 50,000 का। हाय, अब तो तेरे पति से प्यार होने लग गया है मुझे। चल अब तू पगा मत, मुझे बहुत काम है। बाय बाय। पागल लड़की। इधर रुको, इधर आ। जी साहब। रजनी, रजनी, बुलाया? इसकी तलाशी लो। क्यों, क्या हुआ? तलाशी लो, मैं बताता हूं। क्या है ये? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? बिना पूछे घर से कुछ भी ले जाने की हिम्मत कैसी हुई? किसी को पूछा तुमने? अगर मैं नहीं देखता तो आज तो नुकसान कर जाती तुम हमारा। शांत हो जाइए आप, वैसे भी आर्टिफिशियल इयररिंग। आर्टिफिशियल है तो क्या हुआ, कितनी मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के लाता हूं मैं इन्हें, पता है? तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है किसी बात की। अगली बार तुम्हें पकड़ा ना मैंने ऐसी हरकत करते हुए, सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। माफ कर दो साहब, अगली बार कसम से ऐसी गलती नहीं होगी। निकलो अभी। शांत हो जाइए आप, बैठिए। अरे सुपर, आ जाओ। और बस मुकेश जी, आपके लिए। अरे अरे, ये सब क्या है? अरे भाई, आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता? क्या बात है, तो अब इसको लाए हो तो इसको निपटा कर भी जाओगे। ला पिला दे साकिया पैमाना, पैमाने के बाद। क्या बात, पैमाना पैमाने सर, क्या बात है। आ जाओ बैठते जी। चलिए चलो। दीदी, दीदी आपको लगता नहीं है कि साहब ने इन दोनों को बहुत मुंह लगाया हुआ है? उनकी दरिया दिल का फायदा उठाते हैं। तू भी तो पूरा फायदा उठाती है उनका, सब पता है मुझे। कोई घर भर में काम नहीं चल रहा तेरे, अब झूठ बोलकर तू पैसा इटती है उनसे। जा काम पे ध्यान दे। वैसे मुकेश भाई, अरे कुछ ज्यादा कड़ आ गई उस विष्णु में। अरे कितना बुरा भला कह रहा था इनके बारे में। और हाँ, थोड़ा काम का क्या बोल दिया, सीधे बोल रहा किराया देता हूँ, कोई मुफ्त में नहीं ली है दुकान। अच्छा, एक काम करो, उसको कल दुकान खाली करने के लिए बोल दो। ठीक। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बीवी बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। तो ये सारी बातें तुम्हें अपना मुंह खोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। मेरा डिसीजन फाइनल है, निकलो। साहब मेरी आप पूरी बात तो सुन लीजिए साहब, साहब मैं आपके पैर। विष्णु कहने सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। दो दिन दे रहा हूँ मैं तुझे, मेरी दुकान मुझे खाली चाहिए। अब इस तरह दूसरों की बातों में आकर मुझे बर्बाद करके क्या मिलेगा साहब आपको? इन बातों का भी कोई फायदा नहीं है विष्णु, तुम जा सकते हो। साहब साहब आपने अच्छा नहीं किया। मुकेश जी आपने तो कमाल ही कर दिया, विष्णु के साथ जो जो किराएदार अपनी हदें पार करने लगे थे ना, वो सब लाइन पे आ गए। समझ नहीं आता कि आपको कैसे धन्यवाद करूं। धन्यवाद छोड़, कल की दो बोतलों में से एक बोतल अभी भी बची, आज उसे निपटाते। बिल्कुल। मतलब पैमाना पैमाने के बाद?
पैमाना पैमाने के बाद भाई साहब कभी हमारे साथ भी बैठ के पी लिया करो यार। भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है तू फिर से आ गया। पवन नवीन इसको घर से बाहर फेंको यार। ओए बता यदि मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो। फेंक दो इसको बाहर। छोड़ो मुझे। चल छोड़। मुझे मजा किरकिरा करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। दोबारा आना मत इधर। साले मुकेश के चमचो तुम लोगों का एक दिन वो हर्ष करूंगा साले याद रखोगे। भाभी जी। जी भैया बोलिए। वैसे अब तक सुना था कि मुकेश आप पर तोहफों की बारिश करता रहता है पर अब जान भी लिया है। मुझको मैसेज कर आपके लिए 3 सिल्क की साड़ियां मंगवाई हैं। शादी से पहले वाले आशिक तो सुने थे शादी के बाद वाला ये पहला देखा है। वैसे मुकेश का फोन नहीं लग रहा है आप उससे कहना कि 20 लाख में 50,000 कम निकले। क्या ये कैसे हो सकता है ऐसी गलती तो कभी नहीं होती उनसे। इसलिए मैंने भी पूरे भरोसे के साथ पार्टी को पैसे दिए थे लेकिन उसने गिन के देखे तो बड़ी बेइज्जती महसूस हुई इसलिए फोन किया था। ठीक है मैं उन्हें बता देती हूँ। दीदी आज रहने दो कल बता देना। वैसे भी वो विवेक भैया के चक्कर में बहुत परेशान है और ये सुनकर और हो जाएंगे। रहने दो कल बता देना। वैसे ठीक बोल रही है तू। तू फटाफट काम कर मैं उन्हें सलाद देकर आती हूँ। जी हेलो कल तक साहब को पता चल जाएगा और शायद वो पुलिस को भी बुला ले। अब क्या करें? क्या इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है क्या? ठीक है ठीक है। अब बस बहुत हुआ। अब मैं कुछ भी करके अपना हक लेके रहूंगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गीता सुन साहब को पानी दिया ऊपर। जी दीदी। जो जिंदगी मुकेश जी रहा था वो न जाने कितनों का सपना था। उसका खुशहाल परिवार, पैसों की कभी कोई कमी नहीं और मुकेश और रजनी की जोड़ी तो ऐसा कि लाखों में क्यों करोड़ों में। आसपास के कई लोगों ने तो मुकेश को अपना आदर्श बना दिया था क्योंकि वो न केवल एक अच्छा इंसान था जो सबकी मदद करता था, सबके दुख दर्द, उनके प्रॉब्लम सुनता था, मगर एक ऐसा बिजनेसमैन भी था जिसने खुद की मेहनत से बहुत कुछ अर्जित किया था। तो फिर क्या थी मुकेश की गलती जो उसे मौत के मुंह तक ले गई? क्या वो उसकी दरियादिली थी या उसकी संगत, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुकेश की वजह से पवन और नवीन की हत्या हुई, या फिर नवीन और पवन की वजह से मुकेश को मारा गया? आखिर किसकी नजर लग गई थी मुकेश की खुशहाल जिंदगी को? मुकेश
सारे घर की तलाशी लो और बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। अब हमें पता लगाना होगा कि आखिर इस घर में घुसकर इन तीनों की हत्या कर कौन सकता है। और इनसे को इन्फॉर्म किया? जी सर। ठीक है। ओके। तीनों की मौत हो गई ना? हाँ यार, भला मुकेश जैसे अच्छे इंसान को कौन मारा होगा। अरे ये तो होना ही था, दुनिया भर की नजर तो लगी थी उसे, तभी तो कहते हैं जमाने में इतना अच्छा होना भी सही नहीं है। अब इस बात का पता पुलिस ही लगा पाएगी कि इस हत्याकांड के पीछे चोरी चकारी आपसी रंजिश थी या फिर हमारी तुम्हारी बीवियों की नजर। सही कहा तुमने, दोनों की जोड़ी थी बड़ी खूबसूरत। मैं और गीता घर में ही थे, ना जाने कौन कहां से आया और ये सब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं बच्चे को कैसे इन्फॉर्म करूं। हम जैसे ही ऊपर पहुंचे साहब, हमने उन तीनों की लाशें देखी साहब। ऊपर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? हाँ है ना साहब, दो रास्ते हैं ऊपर। साहब मैंने उन लोगों को नहीं मारा, माना उन सब पर मेरा गुस्सा बहुत था, मगर साहब इतना भी नहीं कि मैं सबकी जान ले लूं। और वैसे भी मैं कल रात को सब्जी मंडी में था, सब्जी लेने गया था। आप चाहें तो पता करवा लीजिए साहब। वो तो हम पता करवा लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी कार्रवाई पूरी होने से पहले तू बाहर नहीं जा सकता शहर के। जी साहब। ठीक है सर। मुकेश की कामवाली भाई गीता ने बताया था कि मुकेश का छोटा भाई विवेक उस रात उसे घर आया था, तो उस रात उनका झगड़ा भी हुआ था। सर वो मेरा भाई था, मैं उसका खून क्यों करूंगा सर? कि तुम्हें अपने भाई की मौत से फायदा होने वाला था, और सुना है कि तुम लोगों में लड़ाइयाँ होती थी। बाबूजी के मरते टाइम इस घर का बंटवारा नहीं हुआ था, और आज भी इस घर पे मेरा बराबरी का हक है। निकल निकल यहाँ से, बड़ा है इस घर पे हक जताने वाला, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल। अभी तो जा रहा हूँ, याद रखना लौट कर आऊंगा तुझसे तेरा सारा हिसाब करने। चुपचाप बता दो वरना। सर उस रात को तो मैंने इतनी पी रखी थी कि जिस पेड़ के नीचे मैंने पिया था सर, मैं सुबह तक वहीं पड़ा रहा। और सर सर मैंने खून किया होता तो मैं वहां से भाग नहीं जाता। सर यदि आपको यकीन ना हो तो आप आसपास वालों से पूछ लीजिए। ठीक है जाओ तुम। तुम विवेक पर नजर रखो कि वो सही बोल रहा है कि नहीं, और ये पता करो कि इसके साथ और कोई भी है जिसको मुकेश की मौत से फायदा होने वाला था। सर ये खबर मिली है कि मुकेश के नए बिजनेस में उसका नया पार्टनर संदीप भी है। हे भगवान, बस इस बार बचा ले, मैं जेल नहीं जाना चाहती। अब हम भी क्या करते, इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं मुकेश को क्यों मारूंगा सर? उन पैसों के लिए जो आपने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। सर जिस बिजनेस में मेरा ज्यादा पैसा लगा था, मैं महज 20 लाख रुपए के लिए उसको क्यों बर्बाद करूंगा? और वैसे भी सर उस दिन मैं शहर से बाहर था। क्यों, शहर से बाहर जाकर लोगों को मारा नहीं जा सकता? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उस रात भाभी को फोन कर ये बताया था कि भाभी पैसों में 50,000 रुपए कम है। भाभी जी मुकेश का फोन नहीं लग रहा है, आप उससे कहना कि 20 लाख में 50,000 कम निकले। ठीक है जाइए आप। थैंक यू। तीनों मर्डर घर में हुए, और मामला पैसों से भी जुड़ गया है। काम वाले के घर की तलाशी लो, पवन और इस नवीन की भी हिस्ट्री निकालो। जी सर।